हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो दिन से एक डिबेट चल रही है माइकल क्लार्क के एक स्टेटमेंट को लेके। यकीनन आप लोगों ने सबने उस पर बहुत सारी न्यूज़ भी पढ़ ली होंगी, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज भी देख लिए होंगे, वीडियोस भी देख ली होंगी। मेरे ख्याल से मैं आखिरी आदमी होंगे जो इस पर बात करने लगा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि जब ये मैंने देखी ये खबर, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई उसमें ख़ास बात लगी नहीं, लेकिन उस पर जब लोगों का रिएक्शन मैंने देखा, स्पेशली हमारे यूट्यूब के कुछ दोस्तों का जो यहाँ से पाकिस्तान से यूट्यूब पे शोज करते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आई। और उसका रीज़न ये था कि माइकल क्लार्क की बात को जब मैंने जब उसकी खबर पढ़ी या वो स्टेटमेंट पढ़ा, और उसके बाद जब मैंने इन लोगों की ये वीडियोज़ देखी और रिएक्शंस देखे, तो मुझे इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी लगी। अब वो क्यों लगी, उसका रीज़न ये है कि ये बात बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रही है कि जैसे हम यूट्यूब पे जब शोज़ करते हैं बैठ के, हमारे जितने भी पाकिस्तान से क्रिकेट के ऊपर यूट्यूबर्स शो कर रहे होते हैं, तो ये इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है विराट कोहली के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म ना हो बहुत ज़्यादा, स्पेशली विराट कोहली। और अगर विराट कोहली, ऑब्वियसली विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन है या इतना बड़ा खिलाड़ी है कि उसकी तारीफ ऑटोमेटिक होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार, ये भी देखा है कि यार विराट कोहली पे वीडियो डाल दो या विराट कोहली का जिक्र कर दो, तो उस पे जो है वो आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात कोई आगे से कहता है कि यार तुम लोग जो है ना वो इंडियन क्रिकेट पे बात इसलिए करते हो या इंडियन टीम की तारीफ इसलिए करते हो कि तुम्हें इंडिया से व्यूज चाहिए होते हैं, इंडिया से सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, तो ये बात फिर कुछ लोग माइंड कर जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम तो यूं हैं, हम बिल्कुल नहीं करते ऐसा। लेकिन ऐसा करते हैं, हकीकत है, इस बात में कोई इनकार नहीं है। मैं अपनी पहले वीडियोस में भी ये बात कई दफ़ा कर चुका हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी छुपी हुई बात है कि हमारे, स्पेशली मैं अपने यहाँ के क्रिकेट शोज की बात करूँगा कि जितने भी वीडियोस लोग बना रहे होते हैं उन पे जो व्यूअर्स आ रहे होते हैं या व्यूअर्स आ रहे होते हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे होते हैं, उसमें जो मेजर चंक होता है 80-90% मैं कहूँगा इस बात को, इंडियन होता है। वो चाहे इंडिया से आ रहा हो या कहीं किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए इंडियंस हमारे दोस्त देख रहे हो, इसमें कोई फैक्ट है। अब वो बात हम चाहे इंडियन क्रिकेट पे कर रहे हो चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट पे कर रहे हो, हमें जो व्यूज और सब्सक्राइबर्स आ रहे होते हैं वो इंडिया से आ रहे होते हैं। तो ये तो बात हो गई यूट्यूब की। अब चलते हैं माइकल क्लार्क के स्टेटमेंट की तरफ। माइकल क्लार्क का स्टेटमेंट में मुझे ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं लगी। एक कहावत है, कहा जाता है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। लेकिन यहां पे हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कह रहा है। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मर कैप्टन, और कैप्टन भी वो कि जिसने अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप भी जिताया है, तो कोई छोटा आदमी तो ये बात कर नहीं रहा। ये तो हो गई माइकल क्लार्क की बात। अब उसने अपनी टीम के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में ये बात की है कि वो इंडियंस के सामने अंडर परफॉर्म या करते हैं या स्लेजिंग नहीं करते, स्पेशली उसने विराट कोहली का नाम लिया। तो भैया विराट कोहली एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसकी स्लेजिंग करना कोई आसान काम नहीं है, वो अपनी परफॉर्मेंस से जाहिर सी बात है सामने वाले की बैंड बजा देता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि विराट कोहली खुद इतना लाउड, इतना एनिमेटेड किस्म का कैरेक्टर है कि उससे हर कोई पंगा नहीं लेता। उससे पंगा लेने के लिए फिर उसके लेवल का आदमी भी चाहिए। तो ये तो हो गई विराट कोहली के ऊपर स्लेजिंग की बात। अब अगर ऑस्ट्रेलियंस मान भी लेते हैं हम कि इंडिया के सामने वो परफॉर्म उस तरह से नहीं करते जिस तरह वो शायद दूसरी टीम्स के खिलाफ करते हैं, अगर हम माइकल क्लार्क की बात को मान के चलते हैं, या वो विराट कोहली की उस तरह से स्लेजिंग नहीं करते, तो भैया जो लोग, मैं अब ये तो हो गई माइकल क्लार्क की बात, अब उन लोगों की बात करते हैं कि जो लोग इस पे बहुत रिएक्शंस दे रहे हैं कि ओए माइकल क्लार्क। मैंने अपने आज एक दो वीडियोस देखी हैं हमारे एक दो पाकिस्तानियों की, कोई कह रहा है जी माइकल क्लार्क पागल हो चुका है, कोई कह रहा है जी माइकल क्लार्क ने इंतहाई बच्चों वाली बात कर दी, कोई कह रहा है कि जी माइकल क्लार्क का जो है ना वो
दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो बहकी बहकी बातें करता है। भाई मेरा सवाल उन तमाम लोगों से ये है कि अगर माइकल क्लार्क ने एक बात की है, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, या उसने यकीनन कोई चीज़ किसी से सुनी होगी, कुछ महसूस किया होगा, कोई उसका एक्सपीरियंस होगा, उसने ये बात की, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ऐसा करने के लिए कोई कहता है? क्या विराट कोहली ये कहता है कि ओए तुम मेरी स्लेजिंग करोगे तो मैं तुम्हें आईपीएल में नहीं लूंगा? नहीं कहता। क्या बीसीसीआई ये बात करता है कि अगर किसी ने हमारे प्लेयर्स की स्लेजिंग की या अगर कोई हमारी टीम इंडिया से जीता तो हम उसको आईपीएल में नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो भैया अब अगर एक बोर्ड के पास इंतहाई बहुत ज्यादा पैसा है, एक बोर्ड एक ऐसी लीग कराता है कि जहां पे सबको पता है कि यार बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और सीखने को मिलता है, ठीक है, करियर ग्रोथ होती है, बहुत सारे लोगों के करियर वहां से बने, बहुत सारे क्रिकेटर्स को पहचान वहां से मिली, नाम वहां से मिला, तो कौन नहीं चाहेगा वहां पे जाना। अब ये तो उस इंसान का इंडिविजुअल एक्ट है ना कि अगर वो ये कह रहा है कि यार ठीक है मैं थोड़ा सा यार मुझे डर लगता है इंडियंस के सामने उनको स्लेज करते हुए कि यार मुझे फिर आगे जाके आईपीएल में भी खेलना है या मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं आईपीएल में खेलूं और उसका ये ख्याल है कि यार अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं स्लेजिंग नहीं करूंगा तो शायद मुझे आईपीएल में ले लें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के रिकॉर्ड्स मैं बात करता हूँ, अभी मैं रिसेंट एक दो लोगों की बात करूंगा। पैट कमिंस की बात करते हैं जो इस दफा के आईपीएल में सबसे महंगा बिका है। पैट कमिंस ने टोटल 6 मैचेस खेले हैं टेस्ट इंडिया के खिलाफ और इन 6 मैचेस की 10 इनिंग्स में पैट कमिंस ने 22 विकेट्स ली हुई हैं, जिसमें से उनका जो बेस्ट है वो है 6 विकेट 27 रन देके। ठीक हो गया भाई, ये पैट कमिंस का इंडिया के खिलाफ टेस्ट में रिकॉर्ड है जिसमें 28 की एवरेज है उनकी और 2.84 की इकोनॉमी है। पैट कमिंस ने 14 ओडीआईस खेले हैं इंडिया के खिलाफ जिसमें उन्होंने 20 विकेट्स लिए हुए। क्या ये बुरा है? 14 मैचेस में बेस्ट 20 विकेट्स। टी20 उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेले टोटल 2 हैं, उसकी तो बात ही नहीं करते। अब आते हैं जरा टेस्ट मैच पे दोबारा, जिसमें मुझे कुछ एक दो चीजों का जिक्र करना था। पैट कमिंस और वर्सेस विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया का टूर कर रही थी तो एक मैच था रांची में, शायद हाँ रांची में मैच था जिसमें इंडिया ने सेकंड बैटिंग की थी और 603 रन बनाए थे, जाहिर आप सबको याद होगा वो मैच ड्रॉ हो गया था और उस मैच में विराट कोहली सिर्फ 6 रन पे आउट हो गए थे। तो किसने आउट किया था उनको? पैट कमिंस ने। 600 रन बने थे और विराट कोहली 6 रन पे आउट हो गए थे और वो पैट कमिंस ने ही आउट किया था। तो विराट कोहली को पैट कमिंस ने आउट किया, 6 रन पे आउट कर दिया। मतलब कहने का मकसद यह है कि भैया पैट कमिंस एक अच्छा बॉलर है इसलिए उसको लिया गया, उसको इसलिए नहीं लिया गया कि वो विराट कोहली से डरता है, वरना 6 रन पे कभी विराट कोहली को आउट नहीं करता। फिर मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो एक मैच में विराट कोहली ने शायद सेंचुरी की थी, कोई पता नहीं शायद 123 रन बनाए थे या कुछ, उसमें भी पैट कमिंस ने उनको आउट किया था। फिर एक मैच की सेकंड इनिंग में इंडिया की पूरी टीम, नहीं सॉरी, 106 रन पर डिक्लेयर कर दिया था इंडिया ने सेकंड इनिंग में, जो मैच इंडिया जीत गया था बाद में, उसमें सेकंड इनिंग में पैट कमिंस ने कुछ 6 विकेट्स लिए थे और पूरा टॉप ऑर्डर इंडिया का पैट कमिंस ने अकेले उड़ा दिया था, जिसमें विराट कोहली को 0 पे आउट किया था पैट कमिंस ने। और ये अभी की बात है 2018-19 की। तो अगर ऐसा किया होता पैट कमिंस ने विराट कोहली को, 2-3 दफा ऐसा हुआ है टेस्ट मैचेस में कि जी विराट कोहली को पैट कमिंस ने आउट किया, तो पैट कमिंस की तो बैंड बज जानी थी, वो तो सबसे महंगा खिलाड़ी बिकता ही नहीं आईपीएल में, लेकिन वो बिका। डेविड वार्नर की बात करें, एरन फिंच की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, मतलब किस किस की बात करें और उनकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के खिलाफ, तो ये सब क्या इसी बेस पर बाहर हो जाते? नहीं होते ना। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो माइकल क्लार्क का जो स्टेटमेंट है उसको, उसका एक पर्सनल कोई शायद एक्सपीरियंस या पर्सनल स्टेटमेंट या
पॉइंट ऑफ व्यू समझ के हमें लेट गो कर देना चाहिए उस पर। इतना रिएक्शन मेरे ख्याल से उस वक्त शायद बनता कि हाँ, जब अगर विराट कोहली भी आगे से ये बोलते ना कि हाँ यार ये सही कह रहा है, मेरे सामने ये लोग इसीलिए दबते हैं कि इनको सबको पता है कि मैं इनको आईपीएल में आने नहीं दूंगा। विराट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ना आईपीएल में किसी ने कहा, ना बीसीसीआई ने ऐसा कहा, तो इतना रिएक्शन क्यों? बस मेरा ये सवाल था। दिल चाह रहा था वीडियो बनाने का आप लोगों के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का, तो बैठ गया आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लिया। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, बुरा लगे तो जो आप लोग करते हैं वो कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मेरी बात से कितने लोग अग्री कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं, इस बात पर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। चलते हैं, जल्दी दोबारा मिलेंगे, अभी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।